इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जयपुर में छात्र संघ चुनाव 2022 इसकी तैयारियां इस वक्त धूमधाम के साथ चल रही हैं। छात्रों में उत्साह दिख रहा है, छात्र प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर समर्थन की भी मांग की जा रही है, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, कोरोना काल है उसको लेकर लोग, उसके बाद ही आपको बता दें जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। इस बीच आपको ये भी पता होगा किस तरीके से जो खबरें आई हैं एबीवीपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी झड़प की खबरें भी आपने सुनी थी, किस तरीके से झड़प भी उनके साथ हुई थी। और इसके अलावा देखिए, सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ आपको राज्य भर में, सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे राज्य भर में छात्रों का ही जमावड़ा नजर आएगा। वसंत हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। वसंत, जिस तरीके से 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, हमने देखा कि जो एबीवीपी है उनसे भी झड़प हो गई है। यहां तक ऐसी थी कि सुसाइड की नौबत आ गई थी, फंदा लगाने को तैयार हो गए थे। ये चुनाव जो है वो कितनी अहमियत रखते हैं छात्रों के लिए, मांग क्या है, इस बार के मुद्दे क्या हैं? वसंत देखिए, राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव है। हर छात्र नेता चाहता है कि छात्र संघ चुनाव हो और वो इस छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद जो है राजनीति में अपना जो है भविष्य तराश सके। लेकिन 2 साल से जिस तरह कोरोना काल हुआ, जो है चुनाव नहीं हो पाए, तो इस बार चुनाव कराने को लेकर लगातार जो है सरकार को ज्ञापन दिया जा रहा था। और मुख्यमंत्री की जो है हरी झंडी मिलने के बाद जो छात्र नेता है पूरे दमखम के साथ जो है इस चुनावी मैदान में उतर गए। हालांकि अगर बात करें इस बार जो है प्रत्याशियों की संख्या 4 है अपेक्स के लिए। एबीपी से जो है बात करें नरेंद्र यादव, से अगर बात करें रितु बराला, अब जो बागी हैं निर्दलीय, वो भी कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि एबीपी से अभी तक हालांकि इस चुनाव में कोई अपेक्स के लिए बागी नहीं हुआ है, लेकिन एनयूसीआई की अगर बात करें, एनयूसीआई से जो है निर्मल चौधरी, निहारिका, वो पूरी तरह से बागी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं निर्मल चौधरी और निहारिका, जो कि मंत्री मुरारीलाल मीणा की पुत्री है, ये दोनों समीकरण बिगाड़ सकते हैं। हालांकि प्रशासन पूरा तैयार है इस शासन चुनाव को करवाने को लेकर, आचार संहिता लग चुकी थी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, और छात्रों को हिदायत भी दी गई थी कि किसी तरह से जो शहर को बदरंग ना किया जाए, जो छात्र नेता शहर को बदरंग करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आज चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। कल भी जो है छात्रों की ओर से विश्वविद्यालय और संगठन कॉलेजों के बाहर जो है शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया था, लेकिन अब कह सकते हैं आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है सोशल मीडिया, हालांकि सोशल मीडिया पर जो छात्र नेता है उनकी टीम है वो लगी हुई है, लगातार जो छात्र हैं उनको मैसेज किए जा रहे हैं, समर्थन की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय की अगर बात करें, विश्वविद्यालय प्रशासन भी इस बार छात्र चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। छात्र चुनाव के लिए जो है 107 जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ साथ ही मतदान केंद्र जो है 91 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 19 जो है महारानी केंद्र में है। और संगठक कवरेज की जो है चारों की अगर बात करें तो 67 मतदान केंद्र उनकी ओर से बनाए गए हैं। पुलिस के जवानों की अगर बात करें 1100 से अधिक पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति ना बिगड़े इसको निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। विश्वविद्यालय गेट में के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर जाने के लिए आई कार्ड चेक किया जा रहा है, जिनके आई कार्ड नहीं है उन्हें है। ये कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं निर्दलियों ने तो पहले भी अपना काम किया है, और यूं कहें कि कहीं ना कहीं वोट बैंक को भी उन्होंने प्रभावित किया है। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव जब हो रहे हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को भी बैकफुट पर आने पड़ा है। एबीपीपी शुरू से ही कह रही थी कि आप इसकी डेट बढ़ाइए, हालांकि डेट नहीं बढ़ी, लेकिन जो हमने पिछले दिनों प्रदर्शन देखा, जब उनको प्रत्याशियों को निष्कासित किया गया था, उनकी साफ तौर पर उनको कमबैक करना पड़ा, उनको लेना पड़ा, और उन्होंने कहा कि हम आत्महत्या करेंगे, सुसाइड करना करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़ा सा दबाव में नजर आता है, क्या माने से वसंत? देखिए निश्चित तौर पर, हालांकि राजस्थान विश्वविद्यालय में अपेक्स लॉबी की कौन जीतेगा इस पर सभी राजनीतिक जो दल है उनकी नजर रहती है। राजनीतिक दल चाहते हैं कि हमारा संगठन जीते, लेकिन इस बार कह सकते हैं पिछले 2 साल के मुकाबले में इस बार भी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर बार बागी समीकरण बिगाड़ता है। और संगठन की बात करें, एबीपी हो चाहे एनएसयूआई, वो भी चाहेंगे कि हमारा अपेक्स लॉबी का जो उम्मीदवार है वो जीते, लेकिन पिछले 2 साल पहले की अगर बात करें, एनएसयूआई से बागी पूजा वर्मा है, उन्होंने जो है जीत दर्ज की थी। उससे पहले भी विनोद जाखड़ जो कि एनयूसीआई से बागी हुए थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार भी हालांकि एबीपी से कोई बागी नहीं है, लेकिन एनयूसीआई से 2 बागी निकलकर सामने आ चुके हैं। मान मनवार की गई थी कि कहीं ना कहीं वो जो नामांकन वापसी का समय था नामांकन वापस ले ले, लेकिन दोनों पूरे मामले को देखते हैं, पूरे चुनाव को देखते हैं वसंत, तो एनयूसीआई और एबीपी की बात करते हैं तो पड़ला जो भारी लगता है हमको कहीं ना कहीं, यदि हम निर्दलियों को दरकिनार कर दें, छोड़ दें, निर्दलियों को हटा दें अभी एक मिनट के लिए, तो पड़ला जो भाई लगता है वो एबीपीपी का ज्यादा लगता है, क्या माने वसंत?
देखिए, अगर सीधे एबीपी और एनएसयूआई की बात करें तो निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि एनएसयूआई का पड़ला यहां भारी देखने को मिल सकता है। एबीपी और एनएसयूआई यानी कि दोनों प्रत्याशियों की तुलना की जाए तो एनएसयूआई की जो रितु बराला है उसका पड़ला ज्यादा भारी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह जब टिकट वितरण हुआ था हंगामा एबीपी की ओर से किया गया था, अरविंद जाजड़ को जो है टिकट नहीं देने की बात की थी, उसका निरस्त किया जा रहा था, तब हंगामा देखने को मिला था, क्योंकि यहां पर जाति समीकरण भी देखने को मिलता है। एबीपी के पैनल में कोई भी जाट समाज से नहीं था, एबीपी चाह रही थी कि जिस तरह एनएसयूआई का जो है रितु बराला जो कि जाट समाज से आती है, और कहीं ना कहीं अगर अरविंद को टिकट नहीं मिलता है तो पूरा जाट लोबी जो है रितु के समर्थन में चली जाएगी, इसलिए जो है एबीपी की ओर से जो है हंगामा किया गया था और कहीं ना कहीं टिकट की देने की बात की गई थी, और देर रात तक जिस तरह घटनाक्रम चला और विश्वविद्यालय को बैकफुट पर आना पड़ा और अरविंद जाजड़ है उसको महासचिव का टिकट देना पड़ा। अब रोचक मुकाबला इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि नरेंद्र यादव हालांकि अपेक्स से उनको टिकट मिला है, लेकिन जो है यहां पर हॉस्टल की गणना की जाती है कि हॉस्टल के जो छात्र हैं छात्राएं वो किसको समर्थन देते हैं, क्योंकि रितु बराला की अगर बात करें, रितु बराला जो है महारानी कॉलेज की शासन अध्यक्ष भी रह चुकी है और जमीनी स्तर से लोगों की समस्याओं का निस्तारण के लिए हमेशा महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय हो छात्रों के लिए धरना प्रदर्शन भी किया, तो कहीं ना कहीं रितु बराला का जो है एबीपी की तुलना में एनएसयूआई का पड़ला यहां भारी देखने को मिल सकता है। आज का दिन आखिरी है, चूंकि प्रचार प्रसार तो आज हो जाएगा और आज ही बंद होगा, इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार जारी रखा जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया वसंत तमाम जानकारी देने के लिए आपका। चलिए।